कि आज हम बिठाएंगे हमारी मुर्गी को अंडों पर। और आज हम तो फाइनली दोस्तों आज मैंने भाई हमारी मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठा ही दिया। तो पता नहीं यार हमारी गाय को क्या हो चुका है। राधा ये देखिए, अभी मैं इसको हाथ लगाऊँ ना, मेरे पर भड़क रही, देखिए किस तरीके से कर रही है। इसको थोड़ी सी और टाइट बांधनी पड़ेगी, वरना सुबह कल क्या हुआ था, आज सुबह भी भाई ये हुआ था कि जैसे दरवाजा जैसे ही खोला वैसे ही बैठी हुई थी, फिर इसको उठाया। और अभी देखिए पैर इस तरीके से क्यों झटका रही है, क्योंकि यहाँ पर हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मच्छर। तो यहाँ पर देखिए मैं मच्छर का जुगाड़ मैंने कर दिया है। यहाँ पर देखिए धुपानिया टाइप का रखा हुआ है, इसके अंदर अब डालेंगे, आग लगा देंगे इसके अंदर, जिससे थोड़ा बहुत धुआं हो जाएगा और भाई हमारी गाय आराम से बैठ जाएगी। तो दोस्तों मच्छर की वजह से ये बार बार मतलब परेशान होती है। और आपको भाई कमेंट में आपने कल बताया नहीं कि हमारी गाय प्रेग्नेंट है भी या फिर नहीं। अब मुझे तो दोस्तों लगता है कि ये प्रेग्नेंट है, पर आप एक बार भाई जो भी मतलब भाई पशुपालन करते हैं एक बार वो देख के जरूर से बताना। देखिए इसका अडर दोस्तों थोड़ा थोड़ा छोड़ रही है, इसको जब लेके आए थे तब भाई इसका अडर कुछ भी नहीं था, और अब देखिए इसका अडर कितना अच्छा हो चुका है। तो अभी देखिए मैंने इसको ये सूखा चारा डाला है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं खाया। तो मैं दोस्तों इसके लिए जो ये वाला चारा लेके आया था, ये वाला भाई, ये तो भाई अलग है, इसके लिए हम लेके आए थे सोयाबीन का। तो दोस्तों इन्हें सोयाबीन का भाई कुछ भी चारा खाया ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं खाया। और यहाँ पर बैठे हमारे कबूतर। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको भाई कम्प्लीटली वॉच करनी, क्योंकि आज हम बिठाएंगे हमारी मुर्गी को अंडों पर। और आज हम इसको भाई पहली बार मैं कुछ अलग तरीके से अंडों के ऊपर बिठाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ। इधर देखिए यहाँ पर भाई जो हमारी घर वाली मुर्गी है, देखिए किस तरीके से कर रही है। इसको आज पहली बार इस वाले तान के ऊपर बिठाया, अभी यहाँ पर इन दोनों बच्चों के साथ ही बैठेगी। अब आप बोलेंगे भाई मुर्गे के साथ क्यों नहीं बैठेगी। तो दोस्तों आज हमारे फार्म पर आखिरी रात है हमारे मुर्गे की, क्योंकि कल संडे मार्केट में हमारा ये वाला मुर्गा चला जाएगा, ये वाला। और दोस्तों जो घर पर असील मुर्गे हैं, और असील एक मुर्गी है वो भी चली जाएगी, क्योंकि मैंने भाई प्योर असील के बच्चे ऑर्डर कर दिए हैं और एक प्योर असील मुर्गी ऑर्डर कर दिए, तो इनको रखने से कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों मैंने आपको देसी मुर्गा हटाने का कारण तो बता ही दिया था कि भाई हमारे इधर से बड़े जो देसी मुर्गे रहते हैं वो चोरी भी हो सकते हैं। तो दोस्तों चोरी हो या कोई कुत्ता वगैरह पकड़ के ले जाए, इससे पहले हम इसको सेल कर देते हैं ताकि कुछ नुकसान ना हो। और आप देखिए भाई हमारी गाय मतलब अच्छी तरीके भाई चर फिर के आई है। अब इसके लिए मैं लेके आऊंगा बाटा, क्योंकि अब अगर इसको हम रोज बाटा देंगे तो घर तक आने के लिए मतलब ये तैयार है कि भाई मेरा इंतजार करेगी कि मतलब यहाँ पर भी कोई इसका घर है भाई। क्योंकि देखिए यहाँ से घूम के सुबह भी चली जाती है, शाम को भी चली जाती है, दिन भर आसपास ही रहती है, लेकिन शाम को जब मैं आता हूँ तो उसके पहले ये इधर से निकल के कहीं और चली जाती है और ये घर पे नहीं आती है। तो इसको भाई घर पे लाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, इसको बाटा खिलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी दोस्तों मैंने आपको एक दो दिन पहले व्लॉग में बताया था कि देखिए हमारी जो मुर्गी है भाई यहाँ पर अंडों के ऊपर बैठी है, तो इसको एक बार चेक करेंगे कितने अंडों के ऊपर बैठी हुई है। और उसके बाद भाई अभी देखते हैं कि अंडों के ऊपर ठीक तरीके बैठी भी है कि नहीं, या फिर इसके इसने अंडे फोड़ तो नहीं दिया। अभी जल्दी से मैं चेक करता हूँ और आपको भी भाई बताता हूँ। और अब दोस्तों मैं पहली बार क्या करूँगा भाई, मुर्गी जहाँ पर इसने अंडे दिए हैं इसको वहीं पर ही अंडों पर बिठा देंगे, मतलब कि इसने बाल्टी के अंदर अंडे दिए हैं तो इसको बाल्टी के अंदर ही बिठा देंगे। आप समझ ही सकते हैं भाई कितना ज़्यादा नई चीज़ हो रही है, मेरे तो दोस्तों फार्म पर पहली बार हो रही है। आज तक मैंने कभी भी ऐसा करा ही नहीं कि भाई मुर्गी ने जहाँ पर अंडे दिए उसको वहीं पर बिठाया, और ये मुर्गी खुद से बैठी है पहली बार। तो अब देखेंगे भाई ये रिजल्ट किस तरीके देती है। इसके नीचे लगभग 10 अंडे रखे हुए हैं और 100% ये 10 में से 10 ही बच्चे निकालेगी, क्योंकि हमारे मुर्गी ने भाई मतलब डेली ब्रीडिंग करता था वो, तो वो जरूर अंडे में से भाई बच्चे जरूर निकलेंगे, क्योंकि सारे अंडे फर्टाइल ही हमारे पास। अभी देखिए भाई इस वाली मुर्गी को मैं उठाता हूँ इस वाली बाल्टी में से और यहाँ नीचे इसको बिठाते हैं, और अभी देखते हैं कि भाई इसने आज दाना पानी खाया भी है कि नहीं, क्योंकि लगभग 2 से 3 दिन हो चुके हैं और ये भाई नीचे हटती ही नहीं है, या फिर इससे ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं। और भाई ये वाली मुर्गी का तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये कुड़क होगी, और भाई इसने हमें सरप्राइज दे दिया एक तरीके से, आप समझे। और अब इसकी दोस्तों मुझे डेट भी नहीं पता है कि बच्चे कब निकालेगी, जब भी बच्चे निकालेगी तब देखना ये हमें भाई सरप्राइज देगी। अभी इसको पहले सबसे पहले बाहर निकालते हैं। ओ भाई, तो भाई ये मुर्गी है कम से कम 1.5 किलो की, और अब देखिए किस तरह के अंडे को अपने एक के ऊपर एक लेके बैठी हुई थी। तो अंडे तो दोस्तों इसके सारे गर्म हैं। मैं क्या करता हूँ भाई इसके थोड़े से ये जो है बड़े बड़े खल के हिस्से, तो इनको गड्ढे टाइप में कर देता हूँ और गड्ढे टाइप में इसको बिठाएंगे। और अब इस बाल्टी में मुझे ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत तो है नहीं, ये देखिए। ओ भाई दोस्तों ये मुर्गी मुझे लग ही नहीं थी बिल्कुल कि भाई ये मतलब कुड़क हो भी सकती है। मुझे तो भाई इसने 2 बार अंडे दे दिए थे और तीसरी बार ये अब कुड़क हुई है, तो मुझे लगा कि भाई ये मुर्गी कुड़क होगी नहीं। और कम से कम इसने 25 अंडे दिए थे, क्योंकि देखिए मैंने 10 अंडे तो यहाँ से सेल कर दिए थे, और 10 अंडे में से भाई 5 अंडे मेरे पड़ोसी को दे दिए थे और 10 अंडे रखे हुए हैं, तो सोच लीजिए भाई 25 अंडे तो इसने ऐसे ही दे दिए, और अब इससे ज़्यादा भी दे सकती है। तब भाई अगर ये बच्चे निकालेगी तो किस तरीके के शानदार बच्चे निकालेगी। तो इसके लिए ज़्यादा तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुर्गी भाई हमारी अच्छी तरीके से बैठी है और अभी भी देखिए किस तरीके से अंडे पर बैठने कर रही है। तो इसको दोबारा से मैं ऐसे ही बिठा देता हूँ ताकि भाई ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। अभी आप इसकी साइज़ चेक करिए एक बार, इसकी साइज़ कितनी ज़्यादा बड़ी है, ये देखिए 6 अंडे और ये भाई गए 8 और ये 2 10। अब दोस्तों इस वाली मुर्गी की भाई एक खासियत
मैंने आपको वीडियो में बताई थी कि इसने एक दिन में एक बार दो अंडे देते। अब देखिए आपके सामने ये अंडों के अंदर बैठ के बताएगी कि भाई किस तरीके से बैठती है ये। तो फाइनली दोस्तों आज मैंने भाई हमारी मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठा ही दिया। अब दोस्तों आपको भाई एक बार कमेंट में जरूर बताना कि ये वाली मुर्गी अच्छी तरीके से अंडों को इंक्यूबेट कर भी सकती है कि नहीं, क्योंकि देखिए इसने आपके सामने भाई अभी अंडों के ऊपर बैठी है किस तरीके से बैठी है। तो आज के लोगों दोस्तों मैं करता हूँ यहाँ पे खत्म। उम्मीद करता हूँ भाई आज के लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं दोस्तों किसी नए लोग में, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते दोस्तों एक बार कमेंट जरूर बताना कि ये वाली मुर्गी अंडों को भाई ठीक तरीके इंक्यूबेट कर भी पाएगी कि नहीं। ओ भाई बहुत ज़्यादा भारी है।